नमस्कार मित्रों, यह है राजीव कुमार जी, बीपीएससी टॉप किए हैं। और पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था और बताया था कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं और इसी माहौल में पढ़ लिख करके बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से उन्होंने तैयारी की है, तो आप लोगों का कमेंट आया था कि उनका घर नहीं दिखाया आपने, उनके आसपास का माहौल नहीं दिखाया। तो देखिए, यही है उनका घर, उनके आसपास का माहौल और इसी परिवेश में तैयारी करके उन्होंने बीपीएससी में सफलता हासिल की है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए एक बार फिर से राजीव कुमार जी से बात करते हैं, पीटी की तैयारी कैसे की जाए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो मेरे साथ है राजीव कुमार जी, 65th में टॉपर हैं, 112 इनका रैंक आया था और इनसे पहले भी आप लोग मिल चुके हैं, एक इंटरव्यू इनका मैंने लिया था और बहुत सारे लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और बहुत सारे प्रश्न भी आए कि पीटी के लिए क्या करना चाहिए और अभी जो बचे हुए दिन हैं बीपीएससी के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी सर से पूछा जाए। तो आज एक बार फिर हम लोग राजीव कुमार जी के पास आए हैं और ये आज आपको सोलो परफॉर्मेंस देंगे। आज मैं कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं हूँ, यही केवल आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आप पीटी निकाल सकते हैं और अच्छा अंक ला सकते हैं। साथ ही थोड़ा बहुत मेंस और इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन मेन फोकस जो रहेगा वो पीटी पर रहेगा। आखिरी 50-60 दिन में आपको क्या करना है यह सब आपको राजीव कुमार जी बताएंगे। तो चलिए हैंड ओवर करते हैं राजीव जी को माइक और उन्हीं से जानते हैं कि क्या हो स्ट्रेटजी अंतिम दिनों में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार, अभी 65th बीपीएससी में मेरा 141 रैंक आया है। सर ने शायद मिस्टेक से गलत बता दिया होगा, होता है, लेकिन 141 रैंक है मेरा। मुझे सब इलेक्शन ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। तो आज मैं, जैसा कि उन्होंने बताया है, कि स्पेशली प्री के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ मेंस और थोड़ा इंटरव्यू के बारे में तो बताऊँगा। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। मैं यहाँ बताऊँगा कि अभी क्या करना चाहिए, बचे हुए दो महीनों में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, साथ ही किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपका प्री डेफिनेटली हो जाए। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि करीब 5 लाख से ऊपर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, तो आंकड़ा देखकर सबसे पहले घबराए नहीं, क्योंकि आंकड़े केवल नाम के होते हैं। आप ध्यान देंगे, कई बार से जितने फॉर्म फिलअप होते हैं करीब 70% ही एग्ज़ाम देते हैं। तो मान के चलिए कि 3 लाख के आसपास एग्ज़ाम देंगे, उसमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको सिलेबस तक पता नहीं होता है कि आखिर पढ़ना है। तो बचे 150, यानी 1,50,000, उसमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको सिलेबस तो पता होता है लेकिन पढ़ते नहीं हैं, तो बचे आपके करीब 75,000। उसमें से ऐसे होते हैं 50% जिनको पढ़ना क्या है पता होता है, पढ़ते भी हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं है, बचे करीब 38,000। तो रियल फाइट आपके 38,000 से ही हैं और इनमें से ही 10,000 के आसपास मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आंकड़ा समझ के ये मत डरे कि इतना बड़ा आंकड़ा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि अक्सर मन में आता है कि हम एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले से अधिकारी होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले कई बार मेंस दे चुके होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो कई बार प्री क्वालिफाई कर चुके होंगे, उनसे आपका फाइट होने वाला है। तो ये भी सोच के नहीं डरे। मैंने भी ऐसा कई बार देखा था कि जो हमारे सामने बैठे हैं वो पहले से क्वालिफाइड हैं या फिर कई बार मेंस दे चुके हैं, इससे कई बार मन में डर आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस कट ऑफ पार करना है, चाहे जैसे भी हो। तो अब मैं बात करूंगा कि कट ऑफ पार कैसे करें। तो सबसे पहले बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो बताया था मैंने कि 4 विषय पर आपको फोकस करना है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट। इन 4 सेक्शन को लेकर के 110 से अधिक क्वेश्चन आते हैं। अगर इन 4 पर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं इन 4 को पढ़े कैसे। तो सबसे पहले हिस्ट्री सबसे बड़ा सेक्शन है, करीब 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक इतिहास की बुक ले सकते हैं जो समग्र इतिहास को कवर करता हो, खासकर ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है या महेश बनवाल की सार संग्रह बुक आती है, इसे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ टाइम कम है तो आप लूसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद करेंट को देखिए, करेंट पिछले एक साल का, जैसा कि एग्ज़ाम 23 जनवरी को है तो आप पूरे 31 दिसंबर तक के करेंट को अच्छे से कवर कर ले। आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं और कई और भी मार्केट में है, लेकिन मैं बताऊँगा स्पीडी को, क्योंकि
चूँकि बीपीएससी के एग्ज़ाम एक दिवसीय जो है वो जैसे पॉइंटेड टाइप के होते हैं, तो स्पीडी उसको अच्छे से कवर कर लेता है, तो आप इसको प्रेफर करें। जहाँ तक साइंस की बात है तो आप स्पीडी की रेलवे की साइंस बुक आती है उसको देख सकते हैं, या फिर लुसेंट की साइंस भी आप देख सकते हैं। दोनों अच्छी बुक है, दोनों को आप कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बिहार स्पेशल की बात है तो बिहार के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, क्राउन की बुक ले सकते हैं, इम्तियाज़ अहमद की, कोई एक, हर कोई नहीं लेना है, कोई एक बुक लेना है, आप उसको पढ़ें। ध्यान देंगे पढ़ने समय आप दो तरह के पेन का इस्तेमाल करें, या वो रेड ब्लू हो सकता है, ग्रीन ब्लू हो सकता है, कोई दो हो सकता है। एक पेन से उसे टिक करें जो आपको याद हो, पहले से पता हो, और एक पेन से उसे टिक करें जो आपने पढ़ा तो है कि याद नहीं है, ताकि एग्ज़ाम के दो दिन पहले आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। उसके बाद बिहार स्पेशल में आप बिहार करेंट को भी शामिल कर लें, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट हो, इन सब चीज़ को देखें, साथ ही भारत के सर्वेक्षण, भारत के बजट को देखें, जनगणना को देखें, जनसंख्या जो डेटा है उसको देखें, इससे भी क्वेश्चन 5-6 आ जाते हैं, इसलिए इसको अवश्य देखें। तो अब ये हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि जैसे कि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है तो आप किसी फंक्शन, शादी विवाह या फिर किसी फेस्टिवल जाना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर होता यह है कि आप इंजॉय करने के कारण टाइम बर्बाद करते हैं और उसी टाइम को बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसको करना छोड़ दें। वैसे लोग का साथ छोड़ दें जो आपको डीमोटिवेट करते हो, आपको रास्ते से भटकाते हो। कई लोग आपको बताएंगे कि हम तैयारी बीपीएससी कर रहे हैं, तो आपको रास्ता दिखाएंगे गलत कि अरे ये कहाँ फंस गए तुम, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा उन लोगों से बात ही ना करें, उन लोगों से अपनी बात शेयर ही ना करें, क्योंकि रास्ता भटकाएंगे तो आपका मनोबल टूटेगा और आप रास्ते भटक जाएंगे। उसके बाद कि अधिक दोस्तों का साथ ना रखें, क्योंकि दोस्त आपके मानते हैं कि साथ देते हैं, लेकिन अधिक दोस्त होने से भी रास्ते भटकते हैं, तो इन सब चीज़ को नहीं करना चाहिए। अब बात है कि करना क्या चाहिए, तो एक टाइम टेबल बनाएं कि किस टाइम में हमें पढ़ना है, किस टाइम में खेलना है। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह का पढ़ा याद होता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि सुबह का समय नींद खुलता नहीं है, खुल भी जाए तो पढ़ाई होता नहीं है। इसलिए आप रात का समय निकालें, रात को 10 से 12 1 बजे तक पढ़ें और सो जाएं। उसके बाद दोपहर का समय निकालें, शाम को समय टहलने के लिए, घूमने के लिए रखें, खेलने के लिए रखें, क्योंकि खेलना भी जरूरी है, आपका माइंड रिफ्रेश होगा। इसलिए दोपहर का रात का समय पढ़ने को निकालें। पर डे चारों विषय में से कुछ न कुछ से पढ़े। ध्यान रखें कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए, लगातार आप पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में वो चीज़ आएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ की प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस के 38वीं से लेकर के अभी तक उपलब्ध है मार्केट में, इन सब चीज़ को बनाएं और उसके हर एक क्वेश्चन को, सिर्फ करेंट को छोड़ दीजिए, बाकी हर एक क्वेश्चन के, हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और उसके सोल्यूशन को बनाएं। क्योंकि अगर आप इसे कर लेते हैं तो 50-60 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये तो हो गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे एग्जाम हॉल में आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम हॉल में तीन तरह के लोग होते हैं। पहला तरह के वो लोग वो होते हैं जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आधा टाइम उसमें लगा देते हैं, और जब उनको लिखने की बारी आती है अर्थात टिक करने की बारी आती है तो समय कम पड़ जाता है और बनाए हुए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन लोग वो होते हैं कि एक बनाते हैं और फिर रंगते हैं, एक बनाते हो रंगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनके पास समय की कमी हो जाती है अंततः, और उनका भी क्वेश्चन छूट जाता है। मेरा जो पैटर्न था कि मैं सबसे पहले 20 मिनट में सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता था, और जो मुझे कम्प्लीटली आता था कि बिल्कुल यही ही सही है उसको मैं टिक करता था और उसे रंग लेता था। सेकेंड चांस ये काम मुझे, मैं आधे घंटे में कर लेता था। सेकेंड जो होता था कि वैसे क्वेश्चन जिसमें मैं 50-50 हुआ था, आधा श्योर है आधा श्योर नहीं है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता था, इसमें मुझे एक घंटे का समय लग जाता था, और ऐसा करके करीब 120 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता था। लास्टली 30 क्वेश्चन बचता था जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, वैसे क्वेश्चन को मैं भगवान का नाम लेकर टिक कर देता था। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं, इससे समय का मैनेजमेंट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सारे क्वेश्चन को लगाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसमें से 5 क्वेश्चन सही हो जाए।
और नेगेटिव नहीं है तो सारे क्वेश्चन को जो भी बनाए। एग्जाम हॉल में ई ऑप्शन आपको बहुत परेशान करता है, तो ई के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप पांच ऑप्शन ना मान करके छह ऑप्शन माने, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, छठा ऑप्शन इनमें से एक से अधिक। तो सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन श्योर है उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन श्योर नहीं है कि इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, उसके लिए पहले क्वेश्चन को हर एंगल को पढ़े। अगर आपको हिंदी वाला समझ नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश वाला पढ़े, इंग्लिश नहीं आ रहा हो तो हिंदी वाला पढ़े। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के क्वेश्चन के वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश को आप अच्छे से समझ जाते हैं। तो जब समझ नहीं आए तो दोनों को देख लिए के बाद, उसके बाद हर एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आप किसी ऑप्शन पे जाएं, ई हो या फिर अन्य ऑप्शन हो। उसके बाद अक्सर क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ऑप्शन ए पढ़ते हैं, लगता है कि ये आंसर को टिक कर देते हैं, परिणाम ये होता है कि कई बार गलत हो जाता है। अक्सर हर विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम में चार पांच क्वेश्चन जानता हुआ भी गलत हो जाता है, जब घर पे आते हैं चेक करते हैं तो उनको लगता है कि अरे गलत हो गया। इसके लिए आप हर एक ऑप्शन को पढ़ें। मुझे याद आता है 64th पीपीसी का मैंने प्री दिया था, मेरा प्री नहीं हुआ था उस समय, एक क्वेश्चन था कि जल का पीएच मान क्या होता है, फर्स्ट था 7 और डी ऑप्शन था उदासीन, यहाँ ऑप्शन ई होता लेकिन मैंने फर्स्ट देख करके टिक कर दिया था। ये गलतियां ना करें आप लोग कि चारों ऑप्शन को पढ़े और चारों ऑप्शन को समझने के बाद ही आंसर को टिक करें, इससे गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम हॉल में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, ये बता दो, ठीक है? तो अगर उसे बताने में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप उस समय स्वार्थी बने, पढ़ाई के समय आप सेल्फिश बने, दूसरों के हेल्प करने से पहले आप अपना हेल्प करें, तभी भगवान आपके हेल्प करेगा। तो आज ये प्री की बात हो गई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल कर लूंगा। मेंस की बात करते हैं, तो मेंस स्ट्रेटजी का विषय है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है, तो मेंस आपका कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि GS1 में हिस्ट्री है, IR है एंड DI है, तो GS1 में स्कोर करने का अच्छा स्कोप है, हिस्ट्री क्वेश्चन सिलेक्टेड आते हैं, DI के जो आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ भी आउट ऑफ 72 आप 72 ला सकते हैं, और IR के सेक्शन भी कुछ फिक्स ही होते हैं, ज़्यादा आप 20 टॉपिक 25 टॉपिक पढ़ लेंगे तो वहाँ से आ जाते हैं, तो पेपर वन में स्कोर करना काफ़ी आसान है। पेपर टू की बात करते हैं, जो कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक से जुड़ा होता है, तो पेपर टू में पॉलिटी के भी आजकल क्वेश्चन थोड़ा डायमेंशनल आ रहे हैं, आप NCERT क्लास 11th और 12th को प्रेफर करेंगे, साथ ही लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ से पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगा। बात करें सेकेंड सेक्शन का, ज्योग्राफी इकोनॉमी का है, तो यहाँ पे केवल भारत का भूगोल पूछा जाता है, महेश वर्णवाल की बुक आप प्रेफर करके उसे कवर कर सकते हैं। बात करें इकोनॉमी का, तो यहाँ पर भारत सरकार की योजनाएं और जो नए नए प्लान आते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, साथ ही बजट हो, सर्वेक्षण हो, उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देख करके आप कवर कर सकते हैं, साथ ही कृषि, गरीबी, बेरोजगारी टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक का सेक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट साइंस टेक का है, तो साइंस टेक में हमारे जीवन में साइंस टेक का क्या रोल है, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाढ़ में, सूखा में, साथ ही अभी कोरोना का समय चल रहा था तो उसमें साइंस टेक का क्या रोल है, कृषि में क्या रोल है, स्टडी में क्या रोल है, तो इन सब से जुड़े क्वेश्चन साइंस टेक से आते हैं। तो इसको आप किसी न्यूज़पेपर से या फिर जो इसरो का है, DRDO का है, उसके प्रक्षेपण होते हैं, भविष्य की उसका क्या प्लान है, इन सब से साइंस टेक को कवर कर सकते हैं। जहाँ तक कि ऑप्शनल की बात आती है, अक्सर लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल क्या चूज करें, तो देखिए ऑप्शनल एक ऐसा विषय है, जैसे मान लीजिए कि आप मिठाई की दुकान पर गए हैं और वहाँ 50 तरीके की मिठाई रखी हुई है, तो चूज़ तो आप ही करना है कि मिठाई कौन सा खाएँ। आपको दुकानदार ये बता सकता है कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका प्राइस कैसी है, कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है, कौन महंगा है, कौन सस्ता है, लेकिन आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको कौन चूज करना चाहिए मिठाई। उसी प्रकार से ऑप्शनल एक ऐसा विषय है जिसमें से आपको गाइडेंस देने वाला ये बता सकते हैं कि ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसका नोट्स मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल क्या चूज करना है वो आप ही को तय करना होगा। ऑप्शनल आपकी रुचि, आपकी स्टडी का तरीका, आपके ऑनर्स का विषय आदि पर डिपेंड करता है।
तो ऑप्शनल चूज करते समय इसका ध्यान रखें कि हमें कौन चूज़ करना चाहिए, किसके नोट्स मिल जाते हैं, किसके टीचर मिल जाएंगे, किसका अच्छा स्ट्रेटजी है, किस में अच्छे स्कोर होते हैं, इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। आगे बात करेंगे इंटरव्यू का। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके जो पर्सनैलिटी है उसके टेस्ट है। तो आपको नॉलेज मेंस में हो चुका होता है, उसी को फ्रेश करना होता है, उसी को आप ब्रशअप करना होता है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और जहाँ डाउट हो अपने बड़े लोगों से जो इसमें अनुभवी हो या फिर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो उनसे मिल करके आप गाइडेंस इंटरव्यू का ले सकते हैं, या संभव हो तो किसी अच्छे संस्थान में आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। इससे आपके इंटरव्यू की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपके आज के वीडियो का प्री का स्ट्रेटजी था, मेंस का कुछ हिंट्स एंड इंटरव्यू के कुछ हिंट्स थे। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। बाकी सर बताएंगे कि उनका कोई अगर कोई प्रश्न आया होगा विद्यार्थियों की ओर से तो बताएंगे। थैंक यू। बड़ा अच्छा तरीका से आपने बताया है सर, तो अच्छा लगा आपको सुन करके। एक वो होता है ना, छात्रों में होता है कि यार इंटरव्यू दे करके तो सब चले जाते हैं, जो भाषण देना होता है वो टॉपर्स आकर के दे जाते हैं, लेकिन वो जो दिल की बात होती है ना कि एकदम फास्ट ट्रैक, मतलब किस तरीके से आपने तैयारी की, लोग पूछते रहते हैं कि सर आपने कैसे तैयारी की, आपका क्या स्ट्रेटजी था, वो बताइए ताकि हम जो है पास कर सकें, पीटी पास कर सकें। और दूसरा होता है कि यार कोई फास्ट ट्रैक वो शॉर्टकट तरीका मिल जाए कि मतलब ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो और निकल गया, है ना। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो गुमराह होते हैं, इसको मैं सही नहीं मानता हूँ, ये गुमराह वाली बात होती है कि भाई ये मिल जाओ वो मिल जाओ, और मतलब क्या बोलते हैं ना, एक वो घुट्टी होता है जिसको घुट्टी कोई पिला दे और वो पास हो जाए, है ना। तो इस तरह का तो खैर कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप कुछ बताना चाहते हैं ऐसे छात्रों को तो उनको ज़रूर बताइए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू लिया था उस समय आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं थे, जानते ज़रूर थे लेकिन हमारे चैनल का वीडियोज़ वगैरह आपने नहीं देखा था, हमारे नोट्स वगैरह नहीं देखे थे। लेकिन अब पिछले एक डेढ़ महीने में आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे नोट्स वगैरह को भी आपने देखा है। तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में, हमारे प्रयास के बारे में, आपको कैसा लगा हमारा प्रयास, तो ये दोनों के बारे में आप बताइए जरा। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया गुमराह, तो अक्सर लोग इसी में गुमराह हो जाते हैं। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको जम कर मेहनत करना पड़ेगा। आप समझिए कि 5 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं और केवल 10,000 लोग ही लगभग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और केवल 726 लोग ही पूरे अपना सीट पक्का कर पाएंगे। तो आपको उसमें अगर शामिल होना है तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाँ, स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप लॉन्ग रास्ते पर ना जाकर के शॉर्ट रास्ते पर जाकर निकल सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट कर देंगे कि बहुत कुछ छूट जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी की। जैसा कि आपके सर ने बताया कि स्ट्रेटजी क्या रही मेरी और किस तरीके से मैंने पढ़ा ताकि सक्सेस मिली, तो प्री की बात करते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूँगा मैं। आप प्रीवियस ईयर को बनाएंगे तो आपको ये देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप एक बार कवर कर लेंगे तो आसानी होगी। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडस वैली से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, वैदिक काल से भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बौद्ध जैन और महाजनपद टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और जो मगध साम्राज्य है वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं, फिर गुप्त काल है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं मेडिवल काल में, तो मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको टॉपिक चूज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किसको अधिक पढ़े, किसको अधिक टाइम दे, ताकि एग्जाम हॉल में कोई समस्या ना हो। बात करें आधुनिक इतिहास का, तो यहाँ पे कांग्रेस का सम्मेलन हो, राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर 1857 के बाद से लेकर के इंडिपेंडेंस तक के जो टॉपिक हैं उन सबको देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। खासकर गांधी युग का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इससे आधुनिक काल के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर बना करके आपको टॉपिक चूज करना चाहिए कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं और उसी को बार बार पढ़ना होगा। करंट का कोई तो
तोड़ नहीं है, करंट सबके लिए नया होता है, आपके लिए भी नया होगा। तो करंट का एक ही तरीका है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के पूरे स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। खासकर खेल पुरस्कार अभी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, अभी भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, खेल रत्न जो इसे कहते हैं जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है वो दिए गए हैं, ओलंपिक हाल में हुआ है, पैरा ओलंपिक हाल में हुआ है, अभी हाल में नोबल दिए गए हैं, तो ऑस्कर भी मिलने वाले हैं। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, जितने भी आयोजन होते हैं विश्व स्तर पे, ग्लोबल समिट होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दौरा होता है, या फिर बिहार की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन सब चीज़ को देखना होगा, तभी करंट आपके पूरा हो पाएंगे। साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी और फिजिक्स से अधिक क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं। तो आप सामान्य विज्ञान अर्थात ऊपरी ज्ञान भी साइंस का होगा तो आप कवर कर लेंगे। इसके लिए आप साइंस के लिए मैंने पहले बताया कि स्पीडिक रेलवे या फिर लूसेंट की साइंस बुक प्रेफर कर सकते हैं, खासकर आप बायोलॉजी और फिजिक्स को विशेष फोकस करें। और दूसरी बात ये रहा कि हिस्ट्री बिहार स्पेशल की, तो मैं तो अरिहंत बुक प्रेफर करूँगा, पतली बुक है और इसमें भी आप केवल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को प्रेफर करें, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो टाइम कम है, इन दो सेक्शन को कवर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बिहार हिस्ट्री में खासकर आप बिहार के आधुनिक इतिहास को देखें, और ज्योग्राफी में बिहार के फिजिकल पार्ट को देखें, या फिर पूरा भूगोल की बात करें तो केवल फिजिकल पार्ट पर अधिक फोकस करें और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा आदि को एक बार देख ले। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कौन सबसे बड़ा उत्पादक यूरेनियम का है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा आदि को एक बार देख लेंगे। साथ ही कुछ राज्य की राजधानी, खासकर ऐसे जो अनसुने होते हैं उनको, और साथ ही हाल में ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने जिन देशों का दौरा किया है उनकी राजधानी को देख लेंगे, और हाल में जिसके राजधानी का नाम चेंज हुआ है उसको भी आप एक बार देख लेंगे। तो ये करंट का सेक्शन हो गया, तो इतना कर लेंगे तो आपके प्री हो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, घटना चक्र के जीएस पॉइंटर आती है बुक, इसको आप देखें, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने भी इसको पढ़ा था और आप भी इसे पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। जीएस पॉइंटर घटना चक्र की आती है, इसमें से आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं, साइंस देख सकते हैं, सारी आती है, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं एडुकेयर से पहले जुड़ा हुआ नहीं था, अभी हाल में वीडियोस में देखा है, फेसबुक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं करंट को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के, हर सेक्शन के वीडियोज उपलब्ध हैं, और कई छात्रों के पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, तो लेकिन नेगेटिव ही होते हैं जो हमें सीख देते हैं कि हमें कहाँ कमी रह गई, तो उनका भी स्वागत है उस नेगेटिव कमेंट का भी, और पॉजिटिव का जो धन्यवाद है उनको कि आप हम पर इतना भरोसा कर रहे हैं। और जहाँ तक नोट्स की बात है तो मैंने इनके नोट्स भी देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, सारगर्भित हैं और हर सेक्शन को अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा इनके वीडियोस को देख करके, इनके जो कमेंट्स हैं और साथ ही इनके नोट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और चैनल पर भी अच्छे से वीडियोस आते हैं, इनको आप देखें, और आशा करते हैं कि आप इससे लाभ उठा रहे होंगे और भविष्य में भी आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं पर मिलेगा, क्योंकि कोई भी टॉपर जो है ना वो खुलना नहीं चाहता है इतना कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन मेरी चूंकि आदत है, मैं खुद भी तैयारी करता हूँ, तो मैं तो मतलब निचोड़ लेता हूँ जिनके पास भी जाता हूँ। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, और पूरा वीडियो यदि आपने देखा है तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई को एक बार फिर से, और भविष्य में भी आपकी सेवाएं हम लोग लेते रहेंगे। यदि मुझे लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर, कमेंट वगैरह में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे, और आपको ये वचन देना होगा कि आप भी जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं आप जब कहेंगे मुझे समय होगा तो बिल्कुल आपसे जुड़ा रहूँगा, हो सके मैं ड्यूटी में हूँ वहाँ से भी अगर संभव हो तो मैं ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अवश्य जुड़ा रहूँगा, और जो भी प्रश्न होंगे छात्रों के, छात्राओं के, उनका उत्तर मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।